जयपुर से समय की बड़ी खबर आ रही है। छात्र संघ चुनाव को निरस्त करने से जुड़ा हुआ ये मामला है। आरयू में सभी संगठनों के छात्र नेता सामूहिक धरने पर बैठ गए हैं। संयुक्त मोर्चे के बैनर तले छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की जा रही है। छात्रों ने कहा है, हम सबकी एक ही मांग है, छात्र संघ चुनाव करवाने का फैसला सरकार जल्द से जल्द ले। मांग नहीं मानने पर सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। और आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस समय आरयू के बाहर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है। लिंग दो कमेटी की अवहेलना, नई शिक्षा नीति का हवाला देकर छात्र संघ चुनाव बंद करने का यह फैसला लिया गया था, जिसके विरोध में अब छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर तमाम नेता छात्र नेता यहां पर आरयू के गेट के बाहर सामूहिक धरने पर बैठ गए हैं। और सभी की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाए जाए। तो आरयू में सभी संगठनों के छात्र नेता सामूहिक धरने पर बैठ गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय छात्र संघ चुनाव की मांग है, सभी की एक ही मांग है, और संयुक्त मोर्चे के तहत ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव करवाने का सरकार ने फैसला लिया और उस फैसले के बाद लगातार रोष बना हुआ था और अब ये रोष दिखाई दे रहा है। सड़कों पर उतर गए हैं छात्र संघ के नेता, तमाम नेता आरयू के गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो संयुक्त मोर्चे के बैनर तले छात्र नेताओं का ये प्रदर्शन, और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं। जब से कुलपतियों की रिपोर्ट गई थी और वो नकारात्मक रिपोर्ट थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही थी चुनावों के ऊपर, लेकिन सरकार में ही मंत्री का कहना था कि ये जो रिपोर्ट है ये कोई मायने नहीं रखती है, मेरा पर्सनल राय यही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। लेकिन अब ये सरकार का फैसला, और इस सरकार के फैसले पर तमाम छात्र नेता विरोध में उतर गए हैं सड़कों पर, और आरयू के बाहर इस समय सामूहिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। छात्रों का कहना है, लिंग दो कमेटी की अवहेलना की गई है, छात्र संघ चुनाव निरस्त किए गए हैं, और उसी के विरोध में संयुक्त धरना प्रदर्शन। तमाम संगठनों के छात्र नेता यहां पर मौजूद हैं। सभी का कहना है, हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाने का फैसला सरकार को लेना होगा, नहीं तो उग्र आंदोलन की छात्र नेताओं ने चुनाव घोषणा भी की है। तो छात्रों का प्रदर्शन है, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है इस समय यूनिवर्सिटी के बाहर, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। छात्रों को विश्वविद्यालय गेट पर प्रदर्शन के लिए हिदायत दी गई है। आरयू के बाहर डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद मौजूद हैं। पुलिस कर्मियों के साथ इस समय मीटिंग चल रही है, पहले किसी भी तरीके का बल प्रयोग ना करे पुलिस, ये बात छात्र नेताओं ने कही है। आरयू के बाहर मौजूद डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव भी समझाइश कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों के साथ ही मीटिंग हो रही है और तमाम पुलिस जाब्ता इस समय आरयू के बाहर है। फिलहाल ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है, तमाम संगठन इसमें शामिल है, और सभी की एक ही मांग है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाए। तो आरयू में सभी संगठन इस समय विरोध प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता निहास चौधरी, सीधे यूनिवर्सिटी से लाइव जुड़े हैं। निवास, अभी क्या कुछ स्थिति है, छात्रों की मांग है, तमाम छात्र संगठन यहां पर मौजूद हैं, एक ही मांग की जा रही है कि चुनाव करवाया जाए, फिलहाल समझाइश का किस स्तर पर पहुंची? जी गौरव, समझाइश की बात की जाए तो देर रात आपको बता दूं, सभी छात्र संगठन, वो भले ही एबीवीपी संगठन से हो, एनएसयूआई संगठन से हो, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि सभी संगठन जो है वो एक साथ मंच पर आए थे, और सबका यही कहना था कि हमारा एक ही मकसद है, छात्र संघ चुनाव करवाना। पर सुबह होते होते जो ये चीज़ है वो बदल गई, और एबीवीपी है वो अलग से प्रदर्शन करना चाह रही है और एनएसयूआई अलग से प्रदर्शन करना चाह रही है। आप मेरे पीछे पुलिसकर्मी देख पा रहे होंगे, डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने आज सुबह मीटिंग की, और उनका ये कहना था, सभी पुलिस को अलर्ट किया गया, मुस्तैद रहने के लिए कहा गया, और उनके द्वारा कहा गया कि किसी भी तरीके से पहले बल प्रयोग नहीं करना है और छात्रों को गेट पर प्रदर्शन न करने के लिए हिदायत दी गई है। जी गौरव जी,
तो अभी छात्र नेताओं का क्या कहना है, ये धरना प्रदर्शन कब तक चलने वाला है यहाँ पर? जी गुरु, छात्र नेताओं का तो यही कहना है कि जो धरना है वो अनिश्चितकालीन के लिए है, पर धरने में है वो फूट कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है। कल सभी संगठनों के छात्र नेता हैं वो एक मंच पर दिखे, छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग